पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह द्वारा सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनके परिवार के अवैध रेत में उत्खनन में फंसे होने के आरोप में गृह मंत्री अनिल मिश्रा ने किया पलटवार, कहा भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाती है और कांग्रेस भाजपा पर। दिग्विजय सिंह ने किसी भी आरोप का जवाब देना में जरूरी नहीं समझता। कांग्रेस की ओर से ओबीसी आरक्षण पर हो रही राजनीति पर गृह मंत्री ने किया पलटवार, कहा कांग्रेस ओबीसी पर राजनीति करती है। कांग्रेस बताई कि उसने कितने ओबीसी नेताओं को सीएम बनाया गया, लेकिन बीजेपी की बातें करें तो बीजेपी में लंबी सीरीज है। बीजेपी ने हमेशा ओबीसी और दलितों का साथ दिया है, कांग्रेस की तरह सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। कांग्रेस कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाई है तमाम आप लोगों पे आरोप है कि आप लोग ढंग से पैर भी नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, कोई अच्छा नहीं खड़ा कर रहे। वो अच्छी पैर भी कर लेते, उनको किसने रोका था? वास्तविकता ये नहीं है, वास्तविकता ये है कि ये सिर्फ पिछड़े वर्ग के लोगों को धोखा देना चाहते हैं। ये पॉलिटिकल पाखंड कांग्रेस हमेशा से पिछड़े वर्ग के साथ, हमारे दलित भाइयों के साथ करती आई है। इनकी सरकार तो पहले 10 साल दिग्विजय सिंह जी की भी रही, तब क्यों नहीं बढ़ाया 27% किया अगर ये करना चाहते थे तो, और अभी किया था तो ऐसा क्यों बनाया कि न्यायालय में स्टे मिल जाता? स्टे तो इन्हीं के समय में मिला, फिर स्टे ब्रैकेट कराने के लिए इन्होंने क्यों नहीं अच्छे बड़े वकील खड़े करे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से पिछड़ों के पक्षधर रही है, कांग्रेस सिर्फ कहती है और भारतीय जनता पार्टी करती है। ये माननीय कमलनाथ जी या उनके लोग जो कह रहे हैं, इनसे पूछो कि अरुण यादव को चुनाव के एन पहले क्यों हटा दिया था? क्या वो पिछड़े वर्ग से नहीं थे? आज तक कोई पिछड़ा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया इनने? हमारे समय में तो बाबूलाल गौर पिछड़े वर्ग से आते थे और मुख्यमंत्री बने, माननीय उमा भारती जी पिछड़े वर्ग से आती थी और मुख्यमंत्री है, माननीय शिवराज सिंह चौहान पिछड़े वर्ग से आते हैं और मुख्यमंत्री हैं, सीरीज है। कांग्रेस बताए ना कुछ ऐसा, सिर्फ घड़ियालवासी बहाना और पॉलिटिकल पाखंड करना। पिछड़ा वर्ग के लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से सुभान सिंह सोलंकी का नाम काटा, कभी अर्जुन सिंह आ गए, कभी दिग्विजय सिंह आ गए। अभी तात्कालिक रूप से राज्यसभा के चुनाव में फूल सिंह बरैया जी को दोयम दर्जे का बना दिया, क्यों? अगर इतने हितैषी थे तो वो क्यों नहीं जा सकते थे राज्यसभा में? कब तक भेजेंगे इन्हीं को? ये समाचार है, मन बहुत आहत है। गवर्नर के रूप में नहीं, मेरा पूर्व से भी उनसे लंबा परिचय रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अपना अलग स्थान रखा, जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से वो एक रहे। ओजस्वी वक्ता थे, तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी थे, पूज्य अटल जी के काफी करीबी थे। महामहिम बनकर भी जब वो मध्य प्रदेश में आए तो पितृवत स्नेह उनसे सदैव प्राप्त होता रहा। नियम प्रक्रिया पे पकड़, व्यवहारिक ज्ञान, राजनीतिक समझ, एक चलती फिरती लाइब्रेरी थे वो। आप सबने भी देखा होगा, अभी जब ये विषय आया था विधायकों का, और इस विधायकों के विषय में जो महामहिम राज्यपाल ने फाइंडिंग दी थी, गतिरोध आया था विधानसभा का, इस्तीफे की बात आई थी, सरकार के अल्पमत में होने की बात आई थी, तब जो महामहिम ने फाइंडिंग दी, वही फाइंडिंग कमोवेश सुप्रीम कोर्ट की भी आई, जो इस बात की द्योतक है, इस बात की परिचायक है कि महामहिम का सर्वांगीण विषयों पर कमांड था। आज उनका निधन हुआ, सच में मन बहुत आहत हुआ, दुखी हुआ।
मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूं कि वह उनके परिवार को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे और अपने चरणों में स्थान दे। विधायक नहीं और मंत्री बनाने की क्या जरूरत है, स्पष्ट करें। विधायक नहीं है फिर भी मंत्री बनाया है, उनको स्पष्ट करें। और ये भी कहा है कि मंत्री, अरे प्यारे मियां पे कोई ट्वीट आया क्या उनका? सवाल करते हैं सिर्फ, किसी सवाल का जवाब तो आज तक दिया नहीं है, तो इसलिए उनके सवाल का क्या जवाब देना। आगे देखो भाई, भाजपा वाले कांग्रेस पे, कांग्रेस वाले भाजपा पे लगाते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने लगा दिया तो कौन सी बड़ी बात है? दिग्विजय सिंह ने जो उमंग भंडार पे लगाया था उसका जवाब आया क्या? उसका जवाब आओ, हम इसका भी देंगे, हम क्यों दें उनका जवाब?